हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय तिवारी अपनी चैनल एग्जाम तक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे कि संविदा वर्ग दो का विज्ञान विषय के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है। कट ऑफ को बताने से पहले दोस्तों, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, आप बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते होंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, तो आपको तीन कैटेगरी के लोग मिलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने वाला है, 120 जाएगा, मेरे फ्रेंड के 120 हैं और इतने हैं। तो आपको मालूम होगा ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला नहीं है। दूसरी कैटेगरी के लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कट ऑफ बहुत लो जाने वाला है, सिर्फ आप क्वालिफाई कर जाओगे, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होगा, जो कट ऑफ रहेगा वो आपका एवरेज रहेगा, बहुत ज्यादा लो भी नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा हाई भी नहीं रहेगा। कट ऑफ कितना रहेगा मेरे अनुमान से जो मैंने बनाया है, आप देख सकते हो। तो जब रिजल्ट आएगा आप साइंस का कट ऑफ देखना, कट ऑफ इसी रेंज में ही रहेगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और जानते हैं संविदा वर्ग दो के लिए विज्ञान विषय के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी को लिखा हुआ है, यहाँ पर मेल और फीमेल। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और मेल हो और आपके जो मार्क्स आए हैं 100 से लेकर 110 के बीच लाई कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से फीमेल हो और आपके जो मार्क्स है वो 95, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं और 95 से 100 के बीच यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन श्योर है। और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से फीमेल है और आपके 90 टू 95 मार्क्स हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और यदि आप एससी कैटेगरी से मेल हैं और आपके जो मार्क्स आ रहे हैं 85 से लेकर 90 के बीच आ रहे हैं, तो मेरे अनुमान से आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और यदि आप एससी कैटेगरी से फीमेल हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो 80 टू 85 हैं, तो इन माई ओपिनियन आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मेल हैं और 80 टू 85 आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपका जो सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। और यदि आप एसटी कैटेगरी की फीमेल हैं और 75 से लेके 80 के बीच लाई कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों की जो मार्क्स हैं इस रेंज से थोड़े बहुत कम भी हैं, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है। नंबर आपके बढ़ जाएंगे और बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट का जो पेपर चला था वो काफी शिफ्टों में हुआ था, जिस वजह से इसमें अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन होगा। यदि आप लोगों के मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बनी हुई बेल पर क्लिक कीजिए।